बिंदेश्वरी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, हम उसे बहुत जल्द तलाक दे देंगे। अब दिल अल्लाह के पांव सा बचने वाले ना आए हो। सब कुछ धीरे धीरे उसी डरावने भविष्य की ओर जा रहा है जिससे मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ। का लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 5 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा। आए आए। मैं अकेले कटे से पैसे का इंतजाम करूंगी। आरती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को ना कुछ भी नहीं होगा, इसका जो भी इलाज होगा ना उस सब का इंतजाम हम लोग करेंगे, कौशिक परिवार। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का मतलब समझती हो तुम? तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अब कौन करेगा इतने सारे रूपों का इंतजाम? मुंह खोलने से पहले इतना सोच लिया होता कि घर में इतने रुपए हैं भी या नहीं। क्या हो गया तुझे? घर से बिना बताए गायब हो जाती है, घर पे होती भी है तो अपनी दुनिया में खो जाती है, हर किसी को छोटी छोटी बातों पे टोकती रहती है। भाभी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने हम सबका भविष्य देखा है। अपना भविष्य कोई कैसे देख सकता है? भाभी, मैंने देखा है हमारा भविष्य, मैंने देखा है। उस आने वाले कल ने मुझे मेरे वर्तमान से अलग कर दिया है। आपको विश्वास नहीं है ना, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या करिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गई है तो? आप मुझे पकड़ लो, लवली पे गिर जाऊंगी। लवली तो तेज होता जा रहा है। लवली, ये तो कहाँ ले आई है मुझे? भाभी, ये कौशिक निवास है। 18 सालों के बाद मतलब 2030 में हमारा घर ऐसा होगा। या यू हैव टू रीच ऑन टाइम। ये मैं? भाभी 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 घंटे, भाभी भाभी उठिए, भाभी भाभी हाँ उठिए। वो कहाँ गए? वो यही कहीं होगी, घर में कहीं पर। इसका मतलब 2030 में भविष्य में मैं ऐसी दिखूंगी? प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। इसको क्या हो गया? मैं जाके देखती हूँ। भाभी भाभी, अरे कोई फायदा नहीं है, ये हमको सुन नहीं सकते और नहीं देख सकते, कोई फायदा नहीं है। अरे अरे रिया, क्या हुआ? मुंह तो खोल, मुंह में क्या दही जमाई है? ये क्या है? अरे वाह, चमत्कार हो गया, हमारे सानिध्य के कारण ये बदल गई, स्वयं भगवान का रूप हो गई, माँ काली की तरह इसके मुंह से भी ज्वाला प्रकट हुई है। जय हो, जय हो, चमत्कार हो गया। लोरी लो, अपने डॉक्टर को बुलाओ, लो फास्ट। भविष्य में डॉक्टर अपने घर पे बैठे बैठे ऐसे इलाज करेगा? हाँ भाभी, लगता तो कुछ ऐसे ही है। आप लोग जरा साइड पे हो जाइए, दिस इज रियली सीरियस। मुझे लगता है रिया ने डायमंड निकल लिया गलती से। हीरा तो रिया के पेट में ना, तो ये दोनों क्यों उल्टी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में पति पत्नी के दिल जुड़ने की बजाय पेट जुड़े होंगे? आप सब लोग इतना हैरान क्यों हैं? आदित्य ने आपको बताया नहीं, इन्होंने 9 महीने वाला नहीं बल्कि 1 महीने में बच्चा होने वाला पैकेज लिया है। ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, हम हंसे के रोए। ये क्या तमाशा है आदि, इसमें गलत क्या है पापा साहब? अगर रिया माँ नहीं बन सकती तो मैं पापा बन गया, व्हाट्स द बिग डील? अरे लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने परिवार में किसी से भी नहीं पूछा, हमसे भी नहीं? आप भी तो फैसले लेते वक्त हमसे नहीं पूछते या बताते। आपने मासा से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया, हमें तो नहीं बताया। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।